हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। टुडेज टॉपिक इज़ मुल्क राजा दल। इससे पहले हमने खुशवंत सिंह और राजा राव की जो वीडियो अपलोड की है, आज हम मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़ेंगे। मुल्क राज आनंद जिनका लाइफ स्पैन अगर हम बात करें 12 दिसंबर 1905 से 28 सितंबर 2004 है। 1905 से 2004, नियर अबाउट 99 ईयर के थे जब इनकी डेथ हुई है। ही वॉज एन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटर थे, इंग्लिश में जो लिखते थे। नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअर क्लास। मुल्क राज आनंद के लिए देखो, ये खास तौर पे कहा जाता है कि उनको पुअर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उनकी मोस्टली जितनी भी नॉवल्स हैं उसमें हमें पुअर क्लास के बारे में देखने को मिलता है। वो मेन तौर पे जो मतलब जो पुअर क्लास है, अनटचेबल हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही इन्होंने अपना योगदान दिया है इनके बारे में लिखने में। अगर हम इनकी बात करें, इन ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी, जो कि इंडियन सोसाइटी में जो ट्रेडिशन था पुअर क्लास के लिए पहले, उसके रिगार्डिंग इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। वन ऑफ द पायनियर ऑफ द इंडो एंग्लिकन फिक्शन के पायनियर भी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? मुल्क राज आनंद। ओके, इंडो एंग्लिकन फिक्शन के पायनियर कहे जाते हैं। ये ध्यान रखो आप एक बात, इनको आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते रहें, ये इंपॉर्टेंट। सभी एक एक लाइन में 2 या 3 एमसीक्यूज हैं, बड़े ध्यान से देखना। देखो इनका मेन, इनका लाइफ स्पैन हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये पायनियर कहे जाते हैं, इंडो एंग्लिकन फिक्शन के पुअर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं ये। ही टुगेदर विद आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर इन इंग्लिश टू गेन एंड इंटरनेशनल रीडरशिप। उनको अगर बात करें, राजा राव को के मुल्क राजानंद की बात करें, तो राजा राव की तरह, आर के नारायण की तरह, अहमद अली की तरह, उनको भी इंडिया का फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर इन इंग्लिश में माना जाता है, जिनको इंटरनेशनल रीडर मिले। आनंद इज एडमायर्ड फॉर हिज नावल, आनंद को अपनी नावल एंड शॉर्ट स्टोरी और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसके लिए, विच हैव एक्यूटेड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हो गई, इनके जो नॉवेल्स हो गए, इसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए ये। दे आर नोटेड फॉर देयर परस्पेक्टिव इनसाइड इन टू द लाइव्स ऑफ ओप्रेस्ड, जिनमें क्या है ओप्रेस्ड, जो दबे कुचले लोग हैं उनको दिखाया गया है। फॉर द एनालिसिस ऑफ द इम्पावरमेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड द मिस फॉर्चून, जो मिक्स एक्सप्लॉयटेशन होता था, मिक्स फॉर्चून हो रहा था उनके साथ, ये सब इनकी नावल में हमको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें, ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नावल अनटचेबल, जो उनको सबसे ज़्यादा उनकी नावल के लिए माना जाता है अनटचेबल के लिए, जो 1935 में आई थी। ओके, ये 1935 में आई थी, 1935 में आर के नारायण की स्वामी एंड हिज फ्रेंड भी आई थी। ध्यान रखना, रिलेट करते रहना जिससे आपको याद हो जाए। फॉलोड बाय अदर वर्क्स ऑन द इंडियन पुअर, और भी कई वर्क्स आए थे, सच एज कूली जो 1936 में आया था, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में आया था। ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर बींग अमंग द फर्स्ट राइटर टू इनकॉर्पोरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम्स इन टू इंग्लिश, ये पहले ऐसे राइटर है। देखो ये पंजाबी थे, उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो इन्होंने हिंदुस्तानी और पंजाबी जो भी ईडियम्स है उसका यूज़ किया अपनी नॉवेल्स में, फर्स्ट थे ये। एंड वॉज ए रेसिपियंट ऑफ द सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण, और उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अब ये देखो इनका जो मेन, थोड़ा थोड़ा इनकी इंट्रोडक्शन है जो हमने की है, इसके बाद हम इनके अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे जो इनको अवार्ड्स मिले। नोट डाउन कर लेना क्या क्या अवार्ड्स हैं। एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि इनको मिला 1971 में,
पद्म भूषण को 1967 में इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है इनको। ये इनके अवार्ड्स हैं, ये इनको अच्छे से लर्न कर लेना आप। साहित्य अकेडमी 1971, पद्म भूषण 1967, इंटरनेशनल पीस प्राइज। अब इनके नॉवेल्स और अदर वर्क्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनटचेबल, नंबर वन। नंबर टू कूली। नंबर थ्री टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये क्रोनोलॉजिकल है, ध्यान रखना, कई बार आपसे क्रोनोलॉजिकल पूछ लिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको ये याद रखना होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942, द बिग हार्ट 19 द स्वॉर्ड एंड द सिकल जो 1942 में आई थी, द बिग हार्ट जो कि 1945 में आई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें द लॉस्ट चाइल्ड 1934, सेवन समर्स, सेवन समर्स ए मेमोर 1951, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ 1960, द रॉड 1961। अदर नोटेबल वर्क्स एडिट हुए हैं जो उनके, वो है द गोल्डन ब्रेथ, द गोल्डन ब्रेथ स्टडीज इन फाइव पॉइंट्स ऑफ द न्यू इंडिया 1933, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट 1956 एडिटर थे, काम कला 1952 58 सॉरी 1958, होमेज टू खजुराहो कोटेड विद स्टेला क्रामरिच, क्रामरिच ये इनके जो अदर नोटेबल वर्क्स थे। ऑटोबायोग्राफीज जो इनकी है, सेवन समर्स 1951, मॉर्निंग फेस 1968, वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, बेस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया मॉर्निंग फेस के लिए मिला था इनको। कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी 1981, पीपली साहिब 1985। नोटेबल अवार्ड्स की बात करें, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953। अनटचेबल करेक्टर्स अगर हम बात करें कौन कौन है एट अ ग्लांस, अनटचेबल के लिए है आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, लखा जमादार ऑफ स्वीपर, फादर ऑफ थ्री चिल्ड्रन, सोहिनी बखा रखा, सोहिनी डॉटर, बखा 18 ईयर ओल्ड सन, रखा यंगेस्ट सन, लेजी एंड अब्यूसिव एंड फील सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। बखा प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड द सन ऑफ लखा एंड अब्यूसिव फादर। 18 ईयर ओल्ड यंग मैन वर्किंग एज ए स्पीक स्वीपर इन द ब्रिटिश बैरिकेड्स, डज नॉट लाइक स्वीपिंग, नॉट रिवॉल्विंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, रिवॉल्टिंग नहीं कर रहा है, बट रैदर बिलीविंग इन ग्रेजुअल चेंज इन द लॉट ऑफ अनटचेबल, पर उम्मीद है, आशा लेकर बैठा है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा। नॉट बिलीविंग इन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, चरत सिंह ए हॉकी प्लेयर इनवाइट्स हिम टू टी एंड गिव्स हिम ए ब्रैंड न्यू। नेक्स्ट है चरत सिंह अ हॉकी प्लेयर इनवाइट्स हिम टू टी एंड गिव्स हिम ए ब्रैंड न्यू हॉकी स्टिक, उसको हॉकी स्टिक देता है, टी पे इनवाइट करता है। कर्नल हचिंगसन ए मिशनरी वांट्स टू कन्वर्ट हिम इनटू क्रिश्चियनिटी, कर्नल हचिंगसन उसको चेंज करने चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में। ड्रिवन आउट ऑफ द हाउस बाय द फादर लखा फॉर हिज अनविलिंगनेस टू डू स्वीपिंग, उनके फादर उनको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो अनविलिंग होता है स्वीपिंग के लिए। हियर्स द स्पीच ऑफ महात्मा अगेंस्ट द मेल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड बिकेम्स होपफुल फॉर अ चेंज इन द लॉट ऑफ स्वीपर्स। महात्मा, यहाँ पर महात्मा को शोक, महात्मा गांधी के रिकॉर्डिंग किया गया है, उनकी स्पीच को सुनकर उनको फील हो, उसको लगता है भी शायद कोई ना कोई चेंज आए, उसकी होपफुल रहता है, आशावादी रहता है वो उसकी लाइफ में। सोहिनी डॉटर ऑफ लखा, यंग एंड ब्यूटिफुल, जो कि यंग है ब्यूटिफुल है, करेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, यंग है ब्यूटीफुल है, पेशेंट एंड रेसिलियंट है, सेक्सुअली एक्सल्टेड बाई प्रिस्ट कालीनाथ, कालीनाथ के द्वारा एक्सल्टेड हो जाता है, हो जाती है उसका, कोशिश की जाती है उसका। रखा यंगर सन ऑफ लखा, टिपिकल सन ऑफ आउटकास्ट पेरेंट्स। अदर करेक्टर्स की बात करें, भगवान दास, हकीम और लोकल डॉक्टर हु सेव्ड बखाज लाइफ
व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। चरण सिंह हॉकी स्टार, ए जॉकुलर पर्सनैलिटी हु डज नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी, इनवाइट्स बखा टू टी एंड गिव्स ए ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक टू हिम। छोटा, वन ऑफ बखाज बेस्ट फ्रेंड बिकमिंग टू ए बिट हायर कास्ट। रामचरण, अनदर बेस्ट फ्रेंड ऑफ बखा बिकमिंग बिलोंगिंग टू ए बिट हायर क्लास। पंडित कालीनाथ, प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल एट बुलेशा, ही सेक्सुअली एज्योल्स बखाज यंग सिस्टर सोइनी, बट इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी एक्यूजेज हर ऑफ डिफीलिंग हिम। नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टर की, गुलाबो, गुलाबो अ वॉशर वूमेन हु इज मदर ऑफ रामचरण, शी इज वेरी जीलियस एंड डज नॉट लाइक सोहिनी। कर्नल हचिंगसन, इमेजिनरी वॉन्टिंग टू कन्वर्ट बखा इन टू क्रिस्टनिटी। इकबाल सारसर, अ पॉइट डिफेंडिंग महात्मा एंड फेवर्स कार्ल मार्क्स सोसाइटी थ्योरी। एन बशीर, एन इंडियन लॉयर हु स्टडीज एक्स ऑक्सफोर्ड बट इज क्रिटिकल ऑफ महात्मा एंड सोशलिज्म। स्टोरी एट अ ग्लांस, द स्टोरी इज अबाउट द मेल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो अनटचेबिलिटी चल रही थी उसको दिखा रही है। बट अबाउट ए लो कास्ट फैमिली, इसमें लो कास्ट फैमिली है विच अर्न्स बाई क्लीनिंग लेटरिन्स, जो कि लेटरिन साफ करके अपना पेट भर रही है। लखा इज द जमादार ऑफ स्वीपर्स, लखा जमादार है। ही हैज थ्री चिल्ड्रन, उनके तीन चिल्ड्रन है, नेमली सोहिनी यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल, बखा एन 18 ईयर ओल्ड बॉय रिलक्टेंट टू डू हिज फादर्स टास्क, रखा द यंगेस्ट सन। बखा वेरी विलिंगली डज नॉट वॉक द स्पीकिंग एंड सो ही होप्स लुक फॉरवर्ड टू अ चेंज इन द लॉट ऑफ स्वीपर, जो कि स्वीपर्स की लाइफ में चेंज लाना चाहता है। शोइंग हिज स्लगीनेस टूवर्ड्स हिज ड्यूटी ही इज ड्रिवन आउट ऑफ द हाउस, उसका अपने काम में दिल नहीं है, करना नहीं चाहता वो, उसके फादर उसको बाहर निकाल देते हैं। ही देन हियर्स द स्पीच ऑफ महात्मा, महात्मा की स्पीच सुनता है, सिम्बॉलिक नेम ऑफ महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी का सिम्बॉलिक नेम यूज़ किया है। ही स्पीच डाइवर्ट्स हिम टू ऑप्टिमिज्म फॉर सोशल चेंज, ये स्पीच उनको सोशल चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। इन विच पीपल वुड नॉट नो लॉन्गर क्लीन द लेटरिंग्स ऑफ हायर क्लास, इसमें यह दिखाया गया कि स्वीपर जो भी है वो अब हाई क्लासेस के जो भी लेटरिंग्स हैं उनको साफ नहीं करते, कि एक उम्मीद की किरण है जो कि इसमें दिखाई गई है। आज की क्लास में इतना ही है। मुल्कराज आनंद की इंट्रोडक्शन की है हमने, उनके कुछ नोटेबल अवार्ड्स किए हैं, उसके बाद उनके वर्क्स किया और मेन जो उनका अनटचेबल वर्क है उसको डिस्कस किया है। इसके रिगार्डिंग जो भी छोटे क्वेश्चन हैं, जो भी MCQs हैं, वो मैं लेकर आऊँगी, और जो उनके अदर वर्क्स है उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल मैं जो कोई भी पोस्ट है TGT PGT उसके रिगार्डिंग जो भी आपको सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिससे आपका एक फ्लो बना रहे। हम इंडियन इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे और भी राइटर्स करेंगे, ब्रिटिश राइटर, अमेरिकन राइटर्स, ये सब, ये स्टार्टिंग है। इसके रिगार्डिंग आप अपने नोट्स तैयार करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, वेलकम।